नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर्स समिट में सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। बता दें कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में साइन किए गए हैं और अभी तक 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। साथ ही यूजीवीएन के प्रबंध निदेशक संदीप सिंगल की माने तो विभाग ने अगले 6 माह में और 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, इन्वेस्टर समिट में 3,50,000 करोड़ के एमओयू हुए थे, जिसमें से कि खाली ऊर्जा क्षेत्र में ही 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हुए थे। और उस दौरान हमने 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग भी अचीव कर ली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंडिंग पर हमको विशेष महत्व देना है, तो हमने अगले 6 माह में एक और 20,000 करोड़ की ग्राउंडिंग प्राप्त कर लेनी है। और उसके बाद जो उसके अगले के 6 माह होंगे उसमें 15,000 करोड़ की ग्राउंडिंग और प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 6 माह के अंदर 20,000 से हम 40,000 तक पहुंच जाएंगे और 1 साल में हम 55,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां ACS राधा रतूड़ी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पर्यटन क्षेत्र में किए गए एमओयू की जल्द से जल्द ग्राउंडिंग करने के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को डेडिकेटेड फॉलोअप के साथ ही निवेशकों की सभी समस्याओं के जल्द निराकरण पर विशेष रूप से कार्य करने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि ACS राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा पर्यटन विभाग में किए गए लगभग 47,000 करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंडिंग की समीक्षा की। ACS श्रीमती रतूड़ी ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड नोडल अधिकारियों को निवेशकों से लगातार फीडबैक लेकर उनकी धरातल स्तर से शासन के उच्च स्तर तक मदद के लिए उपलब्ध रहना होगा। तो ACS ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि डेडिकेटेड आप कार्य कीजिए, जो भी एमओयू साइन हुए हैं उसको लेकर पर्यटन क्षेत्र में जो धरातल पे है वो काम जल्द से जल्द दिखे। और ग्राउंडिंग के निर्देश जो है वो ACS राधा रतूड़ी के द्वारा साफ तौर पे दे दिए गए हैं। कहा गया है कि नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी जाए जो पूरी शिद्दत से ये कार्य करें। तुषार गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चुका है, धरातल पे कौन कौन सा काम नजर आ रहा है? अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो पर्यटन क्षेत्र में कितना कार्य हुए, क्योंकि निर्देश तो दे दिए गए हैं, कितना वक्त? देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट समिट दिसंबर की दूसरे हफ्ते में शुरू पूरी हुई थी और इसमें 3,50,000 करोड़ का जो एमओयू है वो राज्य सरकार के साथ हुआ था। और उसके बाद से अगर बात की जाए तो इसकी जो ग्राउंडिंग है उस पर काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ग्राउंडिंग है वो की जाए, क्योंकि और इसके लिए जो अधिकारी है उन्हें भी जिम्मेदारी की गई है कि जो एमओयू कंपनीज के साथ साइन हुए हैं उसे भी धरातल पर उतारा जाए। अब तक की अगर बात की जाए तो 47,000 करोड़ के जो एमओयू को धरातल उतार चुका है, जो विकास के कार्य हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ऊर्जा विभाग में भी देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ कहा जा सकता है कि जो मूल है उत्तराखंड का टूरिज्म, उसमें अत्यधिक जो एमओयू साइन हुए हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में टूरिज्म स्पॉट्स उत्तराखंड को माना जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आने वाला जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट गया है उससे कहीं ना कहीं आने वाले जो उत्तराखंड के दिन होंगे उसमें विकास कार्य इसमें देखे जाएंगे लगातार। और इसकी तहत जो अगर 47,000 करोड़ की जो ये पूरी धरातल पर उतारी गई है वो ऊर्जा के क्षेत्र में, साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में इसमें विकास देखा गया है। जगह जगह वेडिंग डेस्टिनेशंस के अब सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसे स्पॉट्स ढूंढे जाएं जहां पर लोग देश विदेश से यहां पर आए और वेडिंग स्पॉट्स या वेडिंग यहां पर करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हर निवेशक से उन्होंने प्रार्थना की थी कि वो यहां पर आके एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह उत्तराखंड को देखे। और इसके लिए उसके बाद से ही अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार कार्य कर रही है इसमें।
वेडिंग स्पॉट्स ढूंढे जा रहे हैं जगह जगह, जहाँ पर आने वाले समय में एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बन सके, और ताकि जो आसपास के लोग भी हैं जो डेस्टिनेशन के आसपास, उन्हें भी रोज़गार मिल सके। ये लक्ष्य रखा है कि जल्द से जल्द जो 3.5 लाख करोड़ की जो MOU साइन हुए हैं उसे धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि 2017-18 में जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें करीब माना जाता है कि 1,25,000 करोड़ का जो MOU साइन हुआ था उसे धरातल में उतारने के लिए कोई काम नहीं हुआ। बस MOU साइन हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, लेकिन उसे धरातल में उतारने की जो कोशिश है वो नहीं की गई थी। लेकिन सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उससे लगता है कि जो धरातल में उतारने के जो कार्य चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जो सरकार है लगातार इसमें फीडबैक भी ले रही है और साथ साथ अधिकारियों को निर्देश भी कर रही है कि जो निवेश हुआ है उसे धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो पूरी हो चुकी है, लेकिन जो काम है वो अभी मेन रह चुका है कि जो इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए उन्हें अब धरातल पर उतारा जाए, और इसी के लिए चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो उनसे वार्ता की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि इस साल अगर इस साल तक करीब आधा 1,25,000 करोड़ का जो पूरा MOU है वो धरातल पर उतार दिया जाए, और यही लक्ष्य के साथ इस साल अगर बात की जाए तो सारे विभाग कार्य कर रहे हैं। जी, तकरीबन 1 महीना होने को आया है GIS समिट के पूरा हुए, अभी कितने परसेंट काम हो चुका है? देखिए, अगर बात की जाए तो 47,000 जो करोड़ है उनका जो निवेश है वो धरातल पे उतारने की जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। तो माना जा सकता है कि अभी 20% ही काम हुआ है, और सर मेनली हमें यही फोकस करना होगा कि इसे हम 100% बनाए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि 3.5 लाख करोड़ का जो MOU है पूरे टोटल साइन हुए हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश की यात्रा की थी, वहाँ भी रोड शो हुए, लंदन में हमने देखा, दुबई में हमने देखा, साथ साथ कई जो उत्तराखंड जो देश के राज्य हैं चाहे गुजरात हो मुंबई हो, तो बड़े मेट्रो सिटीज़ में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो की है, और यही आशा की थी कि जो अत्यधिक निवेश हो वो उत्तराखंड में आए, और उनका संकल्प भी है कि जो उत्तराखंड है वो 2026 तक सशक्त बने, और इसी के लिए उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रखी थी, और इसी के तहत अब जो मेन काम रह गया है कि वो 80% जो MOU साइन हुए हैं उसे अब धरातल पर उतारा जाएगा, और इसी के लिए लगातार जो अधिकारी है और निवेश करता है उनके साथ वार्ता की जा रही है, और साथ साथ अधिकारियों को ये बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि जो MOU साइन हुए हैं उनके विभाग में उनके साथ तो विभागीय तौर पर भी उनसे वार्ता की जाए लगातार, ताकि जो लक्ष्य है 3.5 लाख करोड़ का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। जी, कई क्षेत्र में MOU साइन हुए हैं तुषार, अगर बात की जाए तो पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स ने दिखाया था, इस क्षेत्र में कितना काम हो चुका है और बाकी क्षेत्रों के क्या हालात है, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ली जाए या फिर जो हेल्थ सेक्टर है उसमें? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा अगर MOU साइन करने की बात की जाए तो वो ऊर्जा के क्षेत्र में हुई थी उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पानी के ज़्यादा स्रोत हैं, कहीं डैम्स बन सकते हैं, साथ साथ ऊर्जा उत्पादित राज्य है, यहाँ से सोलर की एनर्जी निकल सकती हैं, साथ साथ कहा जा सकता है कि डैम्स बन सकते हैं, टिहरी डैम यहाँ पर है जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है, ऐसे में वहाँ से भी ऊर्जा निकलती है, ऐसे में ऊर्जा कहा जा सकता है कि ऊर्जा वाला पूरा राज्य है, और इसमें करीब 1 लाख करोड़ के जो MOU है वो साइन हुए हैं। टूरिज्म की मैं बात करूं, टूरिज्म बहुत ही मुख्य क्षेत्र है, उत्तराखंड टूरिज्म के लिए जाना जाता है, चारधाम यात्रा यहाँ पर होती है, कांवड़ यात्रा यहाँ पर होती है, तो तमाम बड़ी यात्राएं यहाँ पर होती हैं, और लोग सर्दियों की बात करूं तो यहाँ के जो स्थल हैं वहाँ पर लुत्फ़ उठाने आते हैं, ऐसे में बहुत कहा जा सकता है कि टूरिज़्म मोटर स्पोर्ट्स साथ साथ कहा जा सकता है माउंटेन स्पोर्ट्स, इनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग हैं वह यहाँ पर आके अट्रैक्ट हो और यहाँ पर एक स्पोर्टिक कहा जाए कि स्पोर्टिक की तरह इस पूरे प्रदेश को ले, क्योंकि ऋषिकेश में हम जिस तरह से देखते हैं कि राफ्टिंग वहाँ पर होती है, साथ साथ ऊपर के क्षेत्रों में हम पैराग्लाइडिंग जैसी देख रहे हैं, और साथ साथ हरिद्वार में कुछ महीने पूर्व जियोकॉप्टर खुला है, ऐसे में जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि टूरिज्म के क्षेत्र में भी जो धरातल में उतरा जाए, और इसका MOU भी जो जियोकॉप्टर का है वो इन्वेस्टमेंट समिट में साइन हुआ था, जिसे अब धरातल में हरिद्वार में उतारा जा रहा है धीरे धीरे, और उसके लिए रनवे बनाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि जो आने वाला उत्तराखंड होगा वो टूरिज्म बेस होगा और साथ साथ ऊर्जा से पूरा लिप्त होगा पूरा उत्तराखंड। जी, ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। कई आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल हुए हैं। 5 आईएएस समेत 6 अफसरों का बदल गया है पदभार। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक की भी मिली है जिम्मेदारी। अपर सचिव रणवीर चौहान से वापस लिया गया है पदभार। तो उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। कई आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल हुआ है, बदलाव हुआ है। और ऐसे में आपको बता दें कि 5 आईएएस समेत 6 अफसरों का बदल गया है पदभार, और अपर सचिव रणवीर चौहान से वापस लिया गया है उनका पद। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव रणवीर चौहान से वापस लिया गया है उनका पदभार। विनोद कुमार को मिला है कृषि कल्याण का जिम्मा। खबर लक्सर से है, जहां इन्वेस्टर समिट में बम्पर एमओयू साइन होने के बाद सरकार नए इंटीरियर एरिया विकसित करने और लैंड बैंक बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। बता दें कि सिटकुल के क्षेत्रीय अधिकारी गिरधारी लाल ने विभागीय और लक्सर के प्रशासनिक टीमों के साथ खानपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर, मदारपुर और शाहपुर गाँव में फैक्ट्रियां लगाने के लिए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा प्रस्तावित और चिन्हित कराई गई जमीनों की पैमाइश। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 80 एकड़ जमीन पर नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वहीं इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की योजना से स्थानीय लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। हर काम में समय लगता है और समय के अनुसार सभी काम उतरे, और यहाँ पर जो कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा और हमारे किसानों को, सभी परिवारों का इसमें सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी सेंटर में और राज्य में दोनों जगह सरकार है, और दोनों जगह से पूरे जोर से मुख्यमंत्री जी हमारे और हमारे पूर्व चैंपियन साहब, पूर्व विधायक चैंपियन साहब पूरे इसमें प्रयासरत थे, और आज हमें प्रयास बिल्कुल सफल दिखाई दे रहा और ये धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा। चार गाँव है और चार गाँव के टोटल लैंड करीब 32 हेक्टेयर लैंड है और करीब करीब 80 एकड़ लैंड आएगी हमारे। पहले क्या था कि छोटे छोटे चेक में थे, तो उसको बाद में फिर एक बड़े चेक में बनवाया, और जो यहाँ के किसान थे उनके साथ लैंड एक्सचेंज करवाई हमने, थोड़ा सा इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब स्टार्ट हो गया काम। तो एक खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। जिला सम्मेलन के बाद अब कांग्रेस विधानसभा SC ST पूर्व सैनिक सम्मेलन करके वोटर्स को जोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में इसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष करण मारा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सम्मेलन से कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव की 5 सीटों की जीत रास्ता जो है वह आसान दिख रहा है। कि कौन यात्रा निकाला, कौन नहीं निकाला, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे लगभग 90% हमने जिला सम्मेलन समाप्त कर दिए हैं। सारे लोकसभा क्षेत्रों, केवल हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र अभी बचा हुआ है, देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन होने हैं। इसके बाद हमारे इसमें नहीं विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करने का कार्यक्रम चलाया है, और अध्यक्ष जी के साथ सारे वरिष्ठ नेतागण जिला सम्मेलनों में सम्मिलित हो रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। उत्सव के दौरान आयोजित नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में उत्तरकाशी जिले का दूसरा पुरस्कार मिला। देश भर के लगभग 500 जिलों के बीच उत्तरकाशी को कृषि की श्रेणी में सम्मान मिला है। राज्य अवार्ड में भी उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है।
खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने सचिवालय में प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक गौशालाओं का लाइव निर्माण जल्द किया जाएगा ताकि प्रदेश की सड़कों से गायों को हटाकर गौशालाओं में शिफ्ट किया जा सके। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना से प्रदेश को पूर्ण रूप से सैचुरेट करने के लिए बजट की व्यवस्था मिसिंग लिंक से की जाएगी और गौशालाओं को बड़ा बनाने का निर्देश भी दिया। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर हरिद्वार से है, जहां आकर अगर आप मां मनसा देवी के दर्शनों के लिए रोपवे ट्रॉली से जाना चाहते हैं तो अगले कुछ दिन तक रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है। नगर निगम हरिद्वार ने मनसा देवी मंदिर पर संचालित हो रही ट्रॉली के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर रोपवे के संचालक को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मनसा देवी मंदिर में जाने के लिए या तो पैदल दर्शन करने पड़ेंगे। जो लोग पैदल नहीं जा सकते वो मायूस होकर लौट रहे हैं। मनसा देवी रोपवे का संचालन जिस कंपनी द्वारा किया जा रहा था उनका लाइसेंस 31 दिसंबर को उसकी समय अवधि समाप्त हो गई थी, जिस कारण उसका संचालन अभी रोका गया है। जो रोपवे है उसका सेफ्टी ऑडिट आईटी रुड़की और ब्रिडपुल द्वारा कराया जा रहा है। सेफ्टी ऑडिट की कार्रवाई गतिमान है। हमारे पास सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट जैसे ही आ जाती है हम शासन को प्रेषित करेंगे उस रिपोर्ट को, और शासन द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों के क्रम में अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्योंकि प्रयास हमारा यही है कि हम इसको जल्दी से जल्दी दोबारा संचालित करें, क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल बहुत हाई है। लगभग 25 से 30 लाख लोग जो हैं हर साल यहाँ रोपवे से जो है मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही है कि इसको हम जल्दी से जल्दी दोबारा संचालित। और खबर हरिद्वार से है, जहां 22 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन अंबावता हरिद्वार समेत सभी जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर किसानों की मांगों के संबंध में ज्ञापन देगा। किसान आंदोलन की तैयारी में जुटे भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गन्ने का है। गन्ने का जो भुगतान नहीं करेंगे मिल, तो इस पर हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को हमने आज तय किया है जिले के डीएम का कार्यालय का घेराव और उसमें तालाबंदी करेंगे। एक मुद्दा ये है और एक ये है कर्जा मुक्ति पूरा दाम। कर्जा मुक्ति पूरा दाम, कर्जा पूरे भारत का कर्जा मुक्त हो किसान। जब ये घोटालेबाजों के कर्जा माफ़ कर सकते हैं तो इस देश के किसान का भी कर्जा माफ़ करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा एमएसपी का है, किसान का कर्जे का है, हर जिले में बिजली का है। बिजली को किसान को बिजली पे सब्सिडी मिले, 2 रुपये यूनिट बिजली किसान को मिलनी चाहिए, इन्होंने 10 रुपये यूनिट कर दिए। तो ये मुद्दे एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। तो प्रदर्शन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीकेयू अंबावता 22 जनवरी को करेगा आंदोलन और बता दें जिलाधिकारी कार्यालयों में भी प्रदर्शन होगा। और उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार है। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि प्रदेश में अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य बना रहेगा। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दून चंपावत नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह शाम कोहरा छा सकता है। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहां पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो
अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। कोरोना को लेकर हरिद्वार जिला अस्पताल और रुड़की सिविल अस्पताल प्रबंधन स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है, जिसमें कोविड के लिए और आईसीयू बोर्ड तैयार किया जा रहा है। कोविड 19 के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अस्पताल को 140 बेड का कोविड बेड 11 बेड आईसीयू तैयार किया गया है। वहीं चिकित्सकों को सक्रिय रहने और मैन पावर के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। थाना कंथल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की हत्या का मामला संज्ञान में आया है, जिसका नाम यश और सुकेश था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने स्थान बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इस मामले में पंजीकृत किया गया। तहकीकात के बाद जो सारी चीज़ें जब इसका कुछ लेना है तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।